गुड मॉर्निंग ऑल सर्वेस्ट्रियंस, आप सभी को आज के इस मॉर्निंग जूम वेबिनार में मैं सुभाषित सरकार हार्दिक स्वागत करते हुए शुरू करता हूं आज का ये प्रोग्राम, जहां पे हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? पहले तो ये बताइए, चैट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल, आप लोग गुड मॉर्निंग विशेस भेज रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, हम लोग सभी जानते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, राइट? सो मैं ये जानना चाहूंगा कि इधर कौन कौन ऐसे लोग आज उपस्थित हैं जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, मतलब जिनका खुद का हो सकता है जमीन है या वो किसी दूसरे जमीन पे काम करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप खुद एग्रीकल्चर से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ऐसे कौन कौन व्यक्ति आज हम लोगों के साथ उपस्थित है। सो आप मी कमेंट कर सकते हैं, आप रेज हैंड कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिखिए। यस अजय जी, सो और कौन कौन व्यक्ति हैं? ओके ओम जी, अंसरुल हक जी, आप भी हैं। सो आई थिंक इधर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर फील्ड में जुड़े हुए हैं और जो खेती को करते हैं, राइट? और ये खेती को करने के लिए आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है, राइट? सो आज दोस्तों हम लोग वही चीज को दोहराएंगे कि सर्वश्री आपको कैसे हेल्प करने वाला है एग्रीकल्चर फील्ड में तरक्की के लिए, बहुत अच्छे अच्छे फसल के लिए, और केमिकल फ्री जो फार्मिंग है, सस्टेनेबल फार्मिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो उसको कैसे बढ़ोतरी दिया जाए हमारे सर्वश्री के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हुए, राइट? सो इसके ऊपर चर्चा होगा आज। सभी आईबीओस को, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने सारे नए लोग हैं उन सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर आप वीडियो ऑन रखे हैं सो मेक श्योर दैट आपका वीडियो सही से हो, आपका बैकग्राउंड सही से हो। अगर आप इधर आए हैं और पार्टिसिपेंट जोन में अपना नाम अभी तक नहीं डाले हैं, जो आपका बाय बर्थ नाम है, सो आपका अपना ओरिजिनल नाम इधर डालिए। कोई भी SHPL का आईडी या डिवाइस का नाम इधर शो होना नहीं चाहिए। सो आखिर में, एंड में देख रहे हैं कि ये सिलसिला हम लोगों ने चालू किए हैं कि एंड में हम लोग बुला लेते हैं या फिर आपके पास पहुंचते हैं आपके टेस्टिमनी के लिए या फिर आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, तो उसमें भी सुविधा होगा अगर आप अपने नाम, अपने ओरिजिनल नाम जिस नाम से हम लोग आपको पहचानते हैं वो डाले हैं, राइट? और अगर आपको कोई सवाल हो पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट रिलेटेड या फिर कोई प्रॉब्लम रिलेटेड, अगर आपको कोई सवाल स्पीकर से करना हो तो वो टॉपिक पे होना चाहिए एंड वो एंड में होना चाहिए, आखिर में, राइट? जब आपको बोला जाएगा आप अपना सवाल रखिए, तब भी आप अपना सवाल रखिए, राइट? सो दोस्तों, क्योंकि आज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके हम लोग बातचीत करेंगे, डिटेल्स में प्रोडक्ट को बारीकी में जानेंगे, सो इसके लिए मैं जिनको आज आमंत्रित करूंगा इधर, जिनको मैं बुला लूंगा अपने वेबिनार को कंटिन्यू करने के लिए। आज के वेबिनार का जो मेन स्पीकर है दोस्तों, बहुत सालों से वो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं और नियर अबाउट 35 years का उनका मेडिकल बैकग्राउंड रहा है एंड 7 से 8 साल उनका नेटवर्क मार्केटिंग में जो ट्रेनिंग पार्ट है, हम लोगों को ट्रेन करना, उनका इतने सालों का तजुर्बा, इतने सालों का एक्सपीरियंस वो शेयर करना, ये भी वो 7-8 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली फॉर हेल्थ सेक्टर, वो वर्स्ट एग्रीकल्चर फील्ड में भी काम कर रहे हैं, स्पेशली इन बंगाल। मतलब मैंने उनको देखा है हर एक खेत में उतर के वो काम किए हैं, हर एक गांव में जाके वो ट्रेन किए हैं,
कई हजार किसान उनसे लाभवान हुए हैं. सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन दिस वेबिनार आप सभी के जोश के साथ, आप सभी के एक्साइटमेंट के साथ. मैं इस वेबिनार में बुलाने वाला हूं नन अदर देन डॉक्टर पार्थ प्रतिम मुखर्जी सर को, जो आज आएंगे एंड इधर एग्रीकल्चर के हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत करेंगे और हम लोगों को एक सही दिशा देंगे, जो दिशा से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, स्पेशली सर्विस के प्रोडक्ट यूज करते हुए. सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन दिस वेबिनार डॉक्टर पार्थ प्रतिम मुखर्जी सर. थैंक यू सुभाषी सर, थैंक यू वेरी मच. आई एम ऑडिबल? एकदम सर, परफेक्ट. सुनाई दे रहा है? एकदम सुनाई दे रहा है सर. थैंक यू वेरी मच. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. एक नया जोश के साथ फिर एक बार मैं पीपी मुखर्जी आपका सामने और आज की जो टॉपिक्स है तो आप लोग को शायद जानकारी होगी कि आज का क्या होने वाला है. बेसिकली हम लोग इस तरह से चाह रहे हैं कि आपको एक सही सलामत, एक सॉलिड, एक नॉलेज आपको एग्रीकल्चर के ऊपर होए, ताकि आप फील्ड में जाके दो तीन डिफिकल्टीज, कोई भी कठिनाई के सामने ना करते हुए आप बढ़िया से किसान भाई को और खुद अपना जो जो खुद चास करते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, उनका लिए भी आप लोग ठीक ठीक तरीका से आप काम कर सके. देखिए सर, माय डियर फ्रेंड्स, जितना आदमी आज वेबिनार में जुड़े हुए हैं, हमारा क्या मकसद है, सर्विसेज हब्स की ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बेसिकली सर्विस जो डिजाइन से, जिस सिद्धांत से आज ऑल ओवर इंडिया में एग्रीकल्चर की एक मिसाल खड़ा कर दिया है, उसी मिसाल से ही आपको आगे काम करते जाइए और किसान भाई को समझाते जाइए, उसको शिक्षित करते जाइए, तो समय आएगा कि टोटल जो सिनेरियो है वो बदल सकते हैं. और इट इज ओनली पॉसिबल फॉर अस आल्सो. तो आज की जो चर्चा है, हम लोग डिसीजन लिए कि प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लिया जाए. प्रिंसिपल काफी किया है, फिर मैं आऊंगा हर महीना में एक बार दो बार मैं आने की कोशिश करूंगा और आपको प्रिंसिपल के बारे में बात होगी. आज जो है हम लोग यही बात करेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाए. काफी मार्केट में कॉन्फ्यूजन, किसका बात किसको दूं, कैसे दूं, कब दूं, क्यों दूं, इसके बारे में थोड़ा कॉन्फ्यूजन अभी तक भी हमारा साथ है. तो चलिए दोस्तों, आज क्यों ना हम लोग इसको खुलासा करें धीरे धीरे. तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर आप लोगों को दिखाई दे रहा है. अगर दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा यस लिखिएगा सर. यस, थैंक यू, थैंक यू. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रो केयर, वी कीप योर फर्स्ट प्राइम नीड टू सेव. एक सुरक्षा रहना चाहिए एग्रीकल्चर में. जब तक हम इसका दिमाग से किसान भाई को हटा नहीं पाएंगे कि जितना फसल, जितना खाद उतना ज्यादा फसल,
इससे धीरे 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 हम लोग का एक ही मकसद है, किसान भाई को निकल के ले आना है और जैविक प्रक्रिया से काम करने के लिए। मेरे पास जितना प्रोडक्ट है इसका दो पार्ट में भाग किया हुआ है, दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड किए हुए हैं। एक है फॉर द ग्रोइंग सिस्टम और सेकेंड है प्रोटेक्शन। एक एक प्रोडक्ट लेके चले आता हूं और आपसे बात करूंगा। पहले जाता हूं, दिस इज द सर्वो ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स। इसका जो रिजल्ट हम लोग को सामने आया है, एक बेहतरीन रिजल्ट आया है, वेरी वेरी इफेक्टिव। सर्वो ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड फ्रैक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इट्स आइडियल फॉर क्रॉप्स, फील्ड एंड वेजिटेबल गार्डन। सब जगह में आप देख सकते हैं एंड इट इज इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। थोड़ा ही हमको देना है। इट इज एक्ट्स एज ए नेचुरली सॉइल कंडीशनर व्हिच इंक्लूड्स द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। इसका जो इंग्रेडिएंट्स है ये तो जैविक है, इज एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो इसका बारे में जितना रहेगा, जो आप लोग ई ह्यूमिक हम क्यों दें, हम लोग कर रहे हैं क्या, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं चार्ज एग्रीकेशन का जो स्टार्ट हो रहा है, ट्रैक्टर चलाने के बाद आप इसको प्रयोग करें। इट इज इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। हम इसको डिजाइन किए हैं, हम लोग इसको डिजाइन किए हैं बेसिकली। हम बार बार आप लोग को समझा रहा हूं, हर ट्रेनिंग में आप देखिएगा कि जब तक मैं प्रोबायोटिक्स को बढ़ा नहीं सकता है, जब तक मैं प्रोबायोटिक्स को नहीं बढ़ा पाएंगे तब तक मैं बढ़िया एग्रीकल्चर का जो हम रिजल्ट मांग रहे हैं उसको हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो इसका लिए क्या है, इट इज अ फूड ऑफ प्रोबायोटिक। ऑटोमेटिकली इसको डालिएगा तो मेरा प्रोबायोटिक से दोष जीवाणु जो है वो मेरा बढ़ते रहेगा। सर्वोह्यूमिक ग्रेन्यूल्स इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। इसका बावजूद भी ये कुछ काम करता है, प्रोबायोटिक का इंक्रीज करने के बावजूद भी ये अच्छी एक दो काम इसका बहुत ज्यादा सुंदर हम लोग को दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे हम लोग करते जाए तो एक समय आएगा जिसके लिए कोई फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं है, आप खुद ही जैविक पद्धति में या ऑर्गेनिक बायो प्रोडक्ट से ही आप बहुत सुंदर खेती कर सकते हैं। इनकरेजेस रूल्स डेवलपमेंट। देखिए एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसमें कितना आप फायदा आप लोग को हो रहा है। एक तो प्रोबायोटिक ग्रोथ हो ही रहा है जिसके लिए फर्स्ट हम लोग बोल रहे हैं कि आपका ट्रैक्टर चलाने के बाद, आपका चार शुरू होने के पहले जो मिट्टी में हम ट्रैक्टर चलाते हैं उसका बाद बाद ही आप इसको छेड़िए, सारी जमीन पर इसको छेड़ दीजिए और आप दो तीन रोज रुक जाइए। इसका जो फैसिलिटी है, इट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। नॉट ओनली दैट, आप जब कोई पेड़ पौधे बोगिएगा, इट इज एनकरेज द रूट डेवलपमेंट ऑल्सो एंड स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Act as a soil conditioner and prevent fungus and prevent fungus and other bacteria from disease.
फंगिसाइड्स के भी काम करती है एंड जो बैक्टीरिया बैक्टीरियल के भी काम करेगी बिकॉज इट हैज द ह्यूमिक एसिड इट कॉन्टेन्स ह्यूमिक एसिड इसमें ह्यूमिक एसिड है इसलिए बोल रहा हूं मैं और प्रिवेंट द फंगस एंड अदर बैक्टीरिया प्रोन टू डिजीज मैंने जो हानिकारक बैक्टीरिया है सॉरी टू इंटरप्ट यू सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है राइट राइट देख रहा हूं Now it is visible. फुल स्क्रीन कर दीजिए यहाँ तो क्या हुआ है इधर नहीं है आप फिर से एंट्री कीजिए तो छोड़ दीजिए फिर से एंट्री कीजिए सॉरी जस्ट इसको थोड़ा सा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है शायद ठीक है इसमें दिखाई नहीं रहा तो इसमें कर सकता हूँ सुभाषी सर सर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है इसलिए शायद ये अभी तो नहीं हो रहा है ठीक है सर आप कंटिन्यू कीजिए ना हाँ हाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन थोड़ा यस लिख दीजिएगा हाँ Yes, thank you. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है कोई बात नहीं एंड इट इज प्रिवेंट द फंगस एंड अदर बैक्टीरिया फ्रॉम डिजीज मेरे कहने का मतलब देखिए हम लोग पहले प्रमोट करते थे समझाते थे हम लोग को कि ह्यूमस बेसिकली इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकिन साथ में और भी कुछ काम करता है इसका बावजूद भी और ज्यादा इसका एफिकेसी है फॉर द सॉइल तो सर्वहिमस ग्रैन्यूल्स इसको कैसे देना है जब आप ट्रैक्टर चलाएंगे उसका बाद ही संग संग आप इसको सारा जमीन भर लेकिन इसका क्वांटिटी जो है ये 5 to 8 केजी पर एकड़ में देना है 5 to 8 केजी पर एकड़ अगर आपको बड़े बड़े पेड़ भी देना तो उसको चारों तरफ थोड़ा खोल लीजिए और उसमें 100 to 150 ग्राम्स पर ट्री में आप दीजिए बहुत कम सी क्वांटिटी है तो इसको कैसे आप सारा जमीन पर एक एकड़ जमीन पर 5 से 7 to 8 केजी कैसे छेड़िएगा मैक्स टू मैक्स 10 केजी कैसे छेड़िएगा इसको बढ़िया मिट्टी ले लीजिए जमीन का बीज बली को जो जमीन का बीज वाली जो मिट्टी होती है इसको आप ले लीजिए और 10-5 झोड़ी ले लीजिए और उसमें इसको मिला लीजिए 5 से 8 केजी और सारा जमीन पर इक्वली बेस्ट पॉसिबल अगर आपका पास गोबर सार होता है तो और बढ़िया अगर सब जगह में आजकल मिलता नहीं है तो आप मिट्टी कर और ठीक 25 रोज का बाद फिर एक बार इसको सेम प्रोसीडिंग में सेम प्रणाली से आप इसको छेड़ दीजिए अब जो है इसका 5 kg का बैग मिलता है आपका और क्या है
हेलो, कुछ डिस्टर्ब हो रही है क्या? हेलो शुभाशीष सर, कुछ डिस्टर्ब हो रही है क्या? हो रहा है सर, ऐसे ही करते रहिए, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू करिए, कीजिए आप। थैंक यू। तो सर्वहिमिक ग्रैन्यूल्स को आप स्क्वीज कीजिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमें आ जाता हूं, सर्वहिमिक लिक्विड। सर्वहिमिक लिक्विड, इसके लिए जो है, इट इज ऑल्सो सॉइल फर्टिलाइजर। इट इज एन आइडियल एडेप्टिव टू बूस्ट द बायो एक्टिविटी एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ जो सर्वह्यूमस ग्रेन्यूल्स। ऑलमोस्ट सेम डिजाइन से सर्वह्यूमिक लिक्विड को भी बनाया गया है। इट इज ऑल्सो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉम्पोजिट कॉम्पोस्ट एंड सॉइल स्ट्रक्चर एज अ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इनटेक। अगर जमीन पर खाद है तो पेड़ अगर इसको शोषण नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए हेल्प करेगा सर्वह्यूमिक ग्रेन्यूल्स एंड सर्वह्यूमिक लिक्विड्स। साथ में क्या है, सर्वह्यूमिक लिक्विड इज डिजाइंड विद द बेस्ट प्रमोशन ऑफ ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड एंड फोलिक एसिड। इसका कॉम्पोजिशन में क्या है, इज द बेस्ट प्रोपोर्शन, राइट प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड एंड फोलिक एसिड। इट इज ऑल्सो हेल्प द वाटर रिटेंशन ऑल्सो, मतलब हर मिट्टी को पानी को पकड़ कर रखने का एक क्षमता होती है, जिस क्षमता से खेती में एक इंपॉर्टेंट इसकी बात है। और क्या है इस क्षमता से, लेकिन क्या होता है, बेसिकली वाटर रिटेंशन में काम आती है, पानी को पकड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। इट इज ऑल्सो इंक्रीजेस हेल्थ क्वालिटी एंड यील्ड ऑफ द क्रॉप, फसल की जो उसका आकृति होती है, उसका साइज होती है, उसका टेस्ट क्वालिटी, उसका कलर, इसको मेंटेन करता है। और इसको आप कहीं पर भी दे सकते हैं, गार्डन प्लांट, धान में, या आप मकई में, या गन्ना में, या सब्जी में, कहीं पर भी आप दे सकते हैं। इनहेंसेस ग्रोथ ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेम चीज है, एंड हेल्प्स टू इंप्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, बैलेंस करती है पीएच को। इट इज ऑल्सो पीएच बैलेंस में, हिमिक ग्रेन्यूल्स एंड हिमिक लिक्विड एक साथ बोल रहा हूं, इट इज ऑल्सो बैलेंसिंग द पीएच, मतलब खार या अम्ल का जो रेशियो होना चाहिए जमीन पर उसको भी मेंटेन करता है। नॉट ओनली दैट प्रोटेक्ट द क्रॉप अगेंस्ट हार्मफुल टॉक्सिंस एंड मेटल्स टॉक्सिन के लिए। देखिए एक ही प्रोडक्ट, उसको किस तरह से हम लोग इसको मॉडिफिकेशन किए हैं। और पहले जो हम लोग प्रोमोट करते थे, इट इज ओनली फॉर द बेसिकली इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोबायोटिक, जमीन के प्रोबायोटिक या दोष जीवाणुओं को कैसे वृद्धि किया जाए, दिस इज द ओनली वे, इसी के साथ ही हम लोग कर सकते हैं, दिस इज द ओनली वे, एक ही रास्ता है। और साथ में एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, इट स्टिमुलेट्स द रूट डेवलपमेंट, इनहेंस द फॉस्फेट यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट, मतलब क्या कि फॉस्फेट को यूटिलाइज करना है प्लांट को, अगर वो शोषण कर पाता है तो इसका जो क्षमता होती है इसको बढ़ाती है। और थोड़ा टेक्निकल कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, अभी फुल स्क्रीन में आ गया सर। थैंक यू, एक बार स्क्रीन को चेंज करके देखिए चेंज हो रहा है या नहीं। हाँ हो रहा है, हो रहा है। अब इसका डायरेक्शन ऑफ यूज थोड़ा बता देते हो, ग्रैनुल्स या दानेदार जो ह्यूमिक ग्रैनुल्स है, दाना उसमें है, उसको छेड़ने के अलग तरीका है और इसको यूज करने के अलग तरीका है,
बिकॉज इट इज अ लिक्विड फॉर्म, तरल फॉर्म में है। 300 to 600 ml पर एकर में इसको फॉयलर स्प्रे, जमीन पर आप स्प्रे कर सकते हैं, जब पानी छोड़ते हैं तब भी आप दे सकते हैं। एंड 1000 ml पर एकर फॉर ड्रेंसिंग एंड ड्रिपिंग इरिगेशन, मतलब धान गेहूं बजरा जहां पर पानी ज्यादा लगता है उसमें 1000 ml आप इसको पानी का साथ भी दे सकते हैं आफ्टर द ट्रैक्टराइजेशन। अगर आप सीड को ड्रेसिंग कर रहे हैं, मतलब क्या, कभी कभी होता है कुछ कुछ जैसे धान हुआ गेहूं हुआ, यहां पर क्या होता है कि पहले उसका चारा बना लिया जाता है छोटे छोटे एक जमीन पर, और वहां से उठा के दूसरा जमीन पर रोपा जाता है। उसके लिए क्या, जहां आप बेड बनाइएगा, जहां पर आप इसको बना रहे हैं चारा को, उसको क्या कीजिए 300 से 600 ml पर एकड़ में उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कीजिए। सॉरी, इसके लिए क्या है 5 ml कीजिए एक 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 किलो चारे के लिए, 1 किलो सीड्स के लिए आप, लेकिन इसको 5 ml उसमें पानी में मिलाकर उसमें दीजिए, और उसका बाद उसको रख के जब ये बड़ा हो जाता है तो आप इसको कीजिए इसका डेवलपमेंट आ रही है। और अगर फ्लावरिंग में या फ्रूट फॉर्मेशन के लिए अगर आप देखिएगा उसको 2 ml पर 1 लीटर वाटर को इसको इसका साथ स्प्रे कीजिएगा, जब इसमें क्या होता है प्रजनन हो रही है पेड़ में, जब फूल आ रही है या जब फल छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तब जाके इसको पानी के साथ 2 ml पर लीटर, मतलब अगर 10 लीटर की टैंकी है तो आप 20 ml दीजिए, अगर 15 लीटर है तो 30 ml दीजिए, देख के इसको सारा पे वहां पर जाकर अगर पेड़ों में आप स्प्रे करते हैं तो आपको अच्छी खासियत एक रिजल्ट आ रही है। 1 लीटर की साइज है इसका, इस्तेमाल थोड़ा कम है, और इसको 10 रोज का बाद मत करते जाइए। अगर आपका पास ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स नहीं है तो आप ट्रैक्टर चलाने के बाद आप इसको दीजिए, और लेकिन इसको भी 25 रोज का बाद फिर करना है। अब आ जाती हो नेक्स्ट प्रोडक्ट ब्लैक मैजिक, इसमें भी ह्यूमिक एसिड 98% अदर ट्रेस एलिमेंट उसमें और कुछ भी है, इट इज हाईली सीक्रेट है हमारा कंपनी की सर्विस की, लेकिन इसमें भी 98% ह्यूमिक एसिड है। इट इज ऑल्सो, हम पहले बोले थे इट इज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, और इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे कब, ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स या ह्यूमिक लिक्विड देने के 4 रोज की या 3 रोज की बाद आप जमीन पर एक बार ब्लैक मैजिक स्प्रे कर दीजिए ताकि पीएच बैलेंस बन सके। इसका डिजाइन से इसी तरह का हम लोग काम करते हैं। अगर इसको आप पहले दे दीजिए तो दिमाग में रखिए कि जमीन पर पीएच बैलेंस, हर अगल अलग अलग जमीन का हर पीएच बैलेंस होती है और हमको उस तरह से करना है। हर खेती की हर जमीन की अलग अलग पीएच बैलेंस होती है, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमको ब्लैक मैजिक स्प्रे करना है। इसका अलग, इसका बावजूद भी आपको और क्या क्या काम आ सकता है ब्लैक मैजिक, यूज फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो। ये आप करने के बाद अगर आप रोपिएगा पेड़ को तो प्लांट में ग्रोथ आएगी, प्लांट डेवलपमेंट होगी, रूट ग्रोथ तो होगी होगी, इनहेंस द रूट ग्रोथ ऑल्सो, ताकि रूट को हमको नीचे ले जाए चारों तरफ बिस्तर करना, ताकि वो बढ़िया से मिट्टी के साथ जकड़ के एकदम खड़ा हो सके और ज्यादा से ज्यादा वो खाना, मिट्टी में जो खाना है, जमीन पर जो खाना है उसको खींच सके, उसका भी काम करेगी। डेवलप द लैटरल रूट सिस्टम, लॉन्गिट्यूडिनल सिस्टम है वो क्या करता है, बेसिकली पेड़ को जमीन का साथ एकदम खड़ा करके खड़ा कर सकता है, जकड़ के उड़ा सकता है, लेकिन लेटरल रूट सिस्टम जो है
वो क्या करता है, बेसिकली इसको खाना को शोषण ज्यादा से ज्यादा कर सकते, इसके लिए काम में आता है, तरह तरह बिस्तर भी करना है, डेवलप द फ्रूट्स क्वालिटी, जो फसल आप करो उसको भी डेवलप करता है। और इसे इट इज ऑल्सो डेवलप द प्रोबायोटिक, ये तो अलग से काम करता है, लेकिन बेसिकली हम लोग देते हैं पीएच बैलेंस करने के लिए, लेकिन विथ बोनस, बोनस की तरफ से आपको इतना ज्यादा काम मिल जाना है, और भी इसका काम है, हम लोग धीरे धीरे आप लोग को बताते जाऊंगे। लेकिन इस जानकर के माय डियर फ्रेंड्स, इसका यूजर्स बहुत कम है, इसका 10 से 15 ग्राम पर लीटर वाटर में मिक्स करके या काउ डंग के साथ मिक्स करके या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिक्स करके आप दे सकते हैं, या डायरेक्टली 10 से 15 ग्राम 15 लीटर पानी के पानी में घोल के सारा जमीन पर दे दीजिए, मेन लिए पीएच बैलेंस कर देगा, साथ में क्या होगा इसका प्लांट्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आएगी, रूट को नीचे ले जाएगा, बढ़ाएगा, इस तरह से ये काम करती है। चलिए आते हैं दूसरा प्रोडक्ट में फिर, जैकपॉट। जैकपॉट इसमें क्या है, इंग्रेडिएंट्स में आपको जिनसेंग है, फोल्विक एसिड, नेचुरल बेसिनोलाइट, नेचुरल साइटोकिन्स, एमिनो एसिड, न्यूट्रल एंजाइम्स, जो बहुत ही जरूरत है एक पौधे के लिए, एक सिस्टम के लिए, ये फसल को बढ़ाने की काम में आएगी। अगर फूल है तो फूल का ग्रोथ करने के लिए काम में आएगी। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब कोड़े आ जाता है उसका बहुत झड़ जाता है, फूल उसका नहीं आता है। सब्जी में बोलिए एक बार, फ्लावर के लिए बोलिए, फूल के लिए बोलिए, जब वो कुड़ी में रह जाता है तो उसका बात वो झड़ जाता है, कलिंग जिसको बोलते हैं। अंतर फूट में रूपांतर नहीं हो सकता है। और क्या देख सकते हैं हम लोग, अगर फ्रूट का साइज को ये मेंटेन करेगा, जितना होना चाहिए उतना करने की कोशिश करेगा, और कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे फल जब आ जाता है तो वो भी झड़ के गिर जाता है, इसको भी रोकेगा, इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। तो एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, इफेक्टिव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर क्रॉप, ज्यादा से ज्यादा फसल आपको प्रेजेंट करेगी आपको, causes flower growth, prevents premature fall of the flower कलिकन, कली तक वही जाती है और झड़ जाती है, इसको रोकेगी, increase the size of the fruit, fruits का size को बड़ा करेगा, prevent premature fall of the fruit, जब छोटा छोटा फल रहता है तभी झड़ जाती है, इसको भी ये रोकेगा, increase the quality of the fruit, accelerate the growth of the tree, tree को भी accelerate करेगा growth के लिए, ज्यादा से ज्यादा इसका जल्दी जल्दी डेवलपमेंट हो, प्रिवेंट द प्रीमैच्योर डेथ ऑफ द ट्री एंड स्टॉप यूलिंग ऑफ द लीफ, पेड़ की जान उसका पत्ता है सर, उसमें खाना बनती है, पेड़ में ज्यादा से ज्यादा क्लोरोफिल ना रहे तो पेड़ खाना बना नहीं पाएंगे, क्लोरोफिल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फूड प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्शन बाय द फोटोसिंथेसिस। तो इसको क्या करना है, स्टॉप योलिंग ऑफ द लीव्स, अगर पत्ते पीला हो जा रहा है तब वो ज्यादा से ज्यादा खाना नहीं बना पाएगा, इसको भी ये रोकता है। और इसका इस्तेमाल देखिए, 5 से 7 ml ओनली, 1.5 चम्मच चाय पीने वाली चम्मच से, चाय की जो चम्मच होती है टी स्पून, 5 से 7 ml, 1.5 चम्मच इसमें 15 लीटर पानी में, अब इसको घोल के इसको स्प्रे कीजिए, ज्यादा आपको देने का जरूरत नहीं है, हमारा जितना प्रोडक्ट है ऑल आर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है,
क्यों बनाए हम लोग, ताकि आपको खर्चा कम करो, इसको भी आप स्प्रे करते रहिए। अब एक ग्रीन ड्रिंक इंग्रेडिएंट्स थोड़ा बताना चाहता हूं मैं। हिमली का 12%, एमिनो एसिड 5%, फॉलिक एसिड 5% एंड सीवीट एक्स्ट्रा 5%। इट इज ऑल्सो एक्सेलरेटिंग द जर्मिनेशन, इनहेंसिंग द स्पीड सीडलिंग, विगरस ऑफ द ग्रोथ, इसको रूट भी बढ़ता है, इंप्रूविंग अपटेक ऑफ द ट्रांसलोकेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत जरूरत है, हमारे जमीन पर माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होती है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पेड़ों पौधे के लिए काफी जरूरतमंद चीज है, किसको भी ये इंटेक करने में, इसको शोषण करने में काम में आएगी। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस वाटर रिटेंशन भी ग्रीन बढ़ाती है। साथ में क्या है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिएंट्स लेवल। ये पेड़ की जो मेटाबॉलिज्म होती है, ये विपाक की प्रणाली जो होता है, इसको भी ये डेवलप करता है, ताकि पेड़ बुलंद हो सके, ताकि उसमें कोई रोग पैदा ना हो पाए, एंड इंक्रीज द फॉर्मेशन पोलन फ्रूट्स इन द प्लांट। सब कुछ इसमें काम आएगा ग्रीन। ग्रीन कितना देना है, 5 से 10 ml। जब ये आप सीडलिंग कर रहे हैं कहीं पर चारा, उसपे भी आप इसको दे सकते हैं 5 से 7 ml पर केजी सीड्स के लिए, पर केजी बीज के लिए। अगर रूट को नीचे ले जाना है 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर। अगर आप बैगन की करते हैं, आप टमाटर की कर रहे हैं, तो उसका गोरे गोरे में आप इसको एक एक थोड़ा थोड़ा करके पानी में घोल के इसको डाल दीजिए, ताकि रूट को नीचे ले जाना है। फॉयलर स्प्रे के लिए आप 2 से 3 ml पर लीटर वाटर दे, एक्टिवली ग्रोइंग एंड इसको स्प्रे कीजिए रिप्रोडक्टिव स्टेज में, ताकि फसल आपको ज्यादा हो सके। सर्वग्रीन, जब आप लास्ट जो क्रॉप्स उठा रहे हैं उसका पहले आप बढ़िया से इसको बढ़िया से स्प्रे कर दीजिए और क्रॉप्स उठा लीजिए, इसका ताजगी बढ़ जाएगी, बड़ा हो जाएगा, ताजगी बढ़ जाएगी। नॉट ओनली दैट, इसका शेप, इसका कलर भी बुलंद रहेगा। दिट इज द ग्रीन। नेक्स्ट आ जाता हूं मैक्स, सर्वो मैक्स। इट इज इंक्रीज द यील्ड ऑफ द 20-30%, आपका प्रोडक्शन 20-30% बढ़ जाएगी बाय द यूजिंग ऑफ द फर्स्ट टाइम। 100% वाटर सॉल्युबल है, इसको पानी दीजिए एंड से 20-30% केमिकल फर्टिलाइजर लगे, यूरिया एंड डीएपी। अगर आपको 20-30% इसका करना है, तो आपको पहले बोले थे हम लोग, मैं बाद में बोलूंगा कि 20-30% 25-30% आप लास्ट टाइम जो यूज किया है केमिकल फर्टिलाइजर या रासायनिक खाद, उसको आप रिड्यूस कीजिए। इट इज अ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर व्हिच एनहांसिंग द फर्टिलिटी एंड सॉइल टू द प्रोड्यूस डिस्टिंग्विश्ड क्रॉप्स। फ्लावर होने में या फूड सेटिंग में यह अच्छा काम में आता है। और जमीन पर कुछ एंजाइम होती है, फाइटो एंजाइम, जो पेड़ों के लिए बहुत ही जरूरतमंद है। तो इसको क्या करता है, एंजाइम एंड हॉर्मोन्स सिंथेसिस में काम में आएगा। बेटा रूट डेवलपमेंट ऑल्सो, काइकलम जो रूट को ऊपर काफी जोर दिए हुए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ये खींच पाए, हॉर्मोन्स को खींच पाए इस तरह से। एंड इट इज एक्ट एज एक्टिवेटर वेटर स्पेडर, इट इज एक्टिवेट द फ्लूइड। मॉइस्ट को रखना है, मॉइस्ट एनवायरमेंट का जहां पर रखना है वहां पर इसको देना काफी जरूरी है। इसको कैसे दीजिएगा, 5 ml मैक्स को 15 लीटर पानी में मिलाइए और स्प्रे कीजिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट में आता हूं स्टीकर। स्टीकर बेसिकली हम लोग जैसे यूज करते हैं, होना चाहिए एग्रीकल्चर में। कभी हम लोग स्प्रे भी करते हैं तो क्या होता है, ये पत्ती को ऊपर गिरता करके स्लिप करके फिसल के ये मिट्टी में चले जाता है।
पकड़ कर रखना है। तो अगर आप स्टिकर थोड़ा मिला देते हैं तो ये पत्ते में स्टे करेगा, ज्यादा से ज्यादा ये काम करेगा, ये एक्टिवेट करेगा, पीएच बैलेंस को भी ये मेंटेन कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा जो हम चीज दे रहे हैं उसको अगर स्टिक कर सकता है, स्टिकर बना के उसको दे सकता है पत्ते के ऊपर, तो ज्यादा से ज्यादा स्टे करेगा, राइट। तो इसके लिए कितना देना है, 5 से 7 ml 15 लीटर पानी में, जहां पर आप सॉल्यूशन बना रहे हैं मेरा दूसरा प्रोडक्ट को, उसी में 5 से 7 ml दे दीजिए और इसको स्प्रे कीजिए। नीम तो हम बोले थे आपको, नीम तो एज ए पेस्टिसाइड हर्बिसाइड भी है, लेकिन जब आप दाने वाले आप जब ये दे रहे हैं, कोई भी आप केमिकल दे रहे हैं, तो आप जरूर उसको ऊपर में एक नीम की कोटिंग करके दीजिए, ताकि ये जल जल से जल ना पिघल के नीचे ना चला जाए और मेरा प्रोबायोटिक को ना मर सके। इट इज कैपेबल टू प्रिवेंट 200 से ज्यादा पेस्ट को ये मार सकता है। ये फंगी फंगल की काम करेगी, एंटीबैक्टीरियल की काम करेगी, काफी इसका है, लेकिन इसके इस्तेमाल थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, काय के लिए इसके अंदर में जो एजारेक्टिया जो है इंडिका, ये बेसिकली रेजिस्टेंस बन जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा यूज मत कीजिए इसका, पीपीएम में 2000 से 2500 तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन किसान का डिमांड है 5000-10000 ppm की नीम, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, वो आपको हानि भी कर सकता है। हमारा पास है 2500 ppm की, इसलिए हम लोग इसका रिजल्ट आ रहा है। इसको भी कितना देना है, 25 से 30 ml 15 लीटर में देना है, एंड 1 लीटर पर एकड़ में इसको स्प्रे करना है, और इसको 10 रोज बाद बाद करते जाएंगे। अब आ जाती हो, अगर फंगस की बात आ रहा आपका पास है प्रोटेक्शन के लिए, तो आप फंजी दीजिए, पहले मैं बताया था फंजी दीजिए 1 ग्राम मिक्स विद 1 लीटर ऑफ वाटर और स्प्रे कीजिए, इट्स ए फंगिसाइडल बेसिकली। अगर फंगस की प्रॉब्लम आती है तो इसको आप दीजिए। नेक्स्ट जो देना है आपको डॉक्टर्स गोल्ड, अगर आपको पकड़ नहीं पा रही है फंगस या बैक्टीरिया या आपका वायरल है, तो आप डॉक्टर्स गोल्ड दीजिए। ये फंगिसाइडल भी है, बैक्टीरियसाइडल भी है, साथ में ये एंटीवायरल, तीनों में ये काम करेगा। 10 से 10 ग्राम 15 लीटर में आप इसको दीजिए, और अगर फंजी देना है 1 ग्राम 1 लीटर पानी, 1 ग्राम 1 लीटर पानी, इसको कैसे देना है 10 ग्राम 15 लीटर पानी में। और एक प्रोडक्शन के प्रोडक्ट है मेरा पास सुपर गोल्ड, इट इज अ नेचुरल ऑर्गेनिक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट ये, लेकिन पेस्टिसाइड्स के हिसाब से दीजिए। अगर कोई कीड़े मकोड़े आपका खेती में आ गया तो इसको पहले से ही देना शुरू कीजिए, जब पेड़ 7 रोज की हो जाएगी, उसका रूट डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा, तब इसको देते रहिए, या तीनों चीज को मिला के आप दे सकते हैं, या डायरेक्टली आप पेस्ट बचाना सकते हैं, तो आप इसको सुपर गोल्ड देते रहिए। कितना दीजिएगा, 1 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, 1 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी। तो आप प्रोडक्शन की प्रोडक्ट आ गई है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आज यही पर खत्म करते हैं। मेरा 10 प्रोडक्ट्स की टोटल इसका जो पिक्चर है, क्यों हम लोग इस तरह से देने बोल रहे हैं, तो आपको पास खुलासा कर पाए तो डॉक आप सर्व ग्रैनुल्स, ह्यूमिक ग्रैनुल्स या ह्यूमिक लिक्विड से शुरू कीजिए, और प्रोडक्शन के ऊपर में भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, तो अच्छा बेहतर रिजल्ट भी आएगा, आपका बिजनेस भी बढ़ता रहेगी। थैंक यू। वर्ट टू सुभाषी सर, सुभाषी सर है कि नहीं, यहाँ तो मैं बिकॉज इज बिजी टूडे। हाँ थैंक यू सुभाषी सर, थैंक यू सो मच पार्थो सर, बहुत ही बढ़िया आपका सेशन रहा, और सच में ये हम लोगों को भी हेल्प किया कि बारीकी में एक एक प्रोडक्ट को जानने का मौका हम लोगों को मिला, जो ये पहली बार जो हम लोग कर रहे हैं ऐसे सेल्स ओरिएंटेड ट्रेनिंग, क्योंकि दोस्तों जो आपको मिला, मतलब पीपीटीज देखने के लिए मिला, अगर आप उनको सेव कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, तो आप देखेंगे कि वो एक पीपीटी के अंदर ही आपको सारा कुछ बारीकी में डिटेल्स
आपको मिल रहा है और उसके साथ उसका प्राइस भी मिल रहा है। तो ये कई हद तक हम लोग फार्मर्स को भी प्रेजेंट करने के लिए ये पीपीटी आपको हेल्प करेगा और ये इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। ये जो पीपीटी है ये हमारे वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएगा। सो आप वेबसाइट से इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप अपने तरीके से इसको प्रमोट कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सो जितने सारे प्रोग्राम्स अभी मॉर्निंग में हो रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे वो हेल्थ केयर के लिए हो, चाहे वो ब्यूटी केयर के लिए हो, सारे पीपीटीज जो दिखाए जा रहे हैं ये सारे पीपीटीज आपके वेबसाइट डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगा कुछ ही दिनों में। अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ ही दिनों में हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का भी, जो लोग अब इतने देर तक जुड़े रहे और आपने हम लोगों को सपोर्ट किए। सो अगर किसी का कोई पर्टिकुलर सवाल है पार्थोपतिम मुखर्जी सर के पास तो आप कर सकते हैं। सर हैं इधर, आपके सवालों का जवाब देंगे। हमारे पास अभी भी 5 मिनट समय है तो इस 5 मिनट में हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। सो क्वेश्चन आपका रहेगा, आंसर सर का रहेगा। सो अगर किसी का कोई सवाल है आप कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज खास जो आज ट्रेनिंग सुनने मतलब सुनते सुनते मुझे ख्याल आया या मैंने भी कुछ सीखा कि बहुत सारे लोग हम बोलते हैं कि सर किसके बाद क्या दिया जाए। मतलब जब हम लोग एक खेती शुरू करते हैं तो वो खेती शुरू करने से क्या क्या दिया जाए एक के बाद एक। तो आज सर ने जो पीपीटी सजाया ये पहले से लास्ट तक आपको कैसे क्या देना है। मतलब सर जैसे बोले कि एकदम सर आपका ह्यूमिक ग्रैन्यूल से शुरू करते हुए लास्ट एकदम सुपर गोल तक एक के बाद एक स्टेज में एक के बाद एक प्रोडक्ट, वैसे ही ये पीपीटी सजा हुआ है। सो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सो जनरल क्वेश्चन सर सबके तरफ से मैं आपको करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं राइट कि ऐसे तो कैसे क्या देना है ये तो है, लेकिन ये जो तरीका आपने बताया या ये जो सीरीज आपने बताया क्या ये कोई पर्टिकुलर क्रॉप के लिए है, पर्टिकुलर कोई खेती के लिए है या ऑल क्रॉप्स में ऑल खेती में ऐसे ही सीरीज जाएगा के ह्यूमिक ग्रैन्यूल से शुरू करना है सुपर गोल तक जाना है, ये क्या हर एक खेती के लिए एप्लीकेबल है? अनम्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू सो मच सर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको क्या करना है बेसिकली, ये क्या प्रोसेस सर इको हो रही है? इको नहीं हो रही है, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है साहब। आप बोलिए सर, अभी क्लियर है? ये हर फसल में एक ही इसका प्रणाली है। कोई अलग नहीं है। आप धान कीजिए, आप गेहूं कीजिए या बजरा कीजिए, वेजिटेबल्स कीजिए, गोभी कीजिए, बैगन कीजिए, टमाटर कीजिए, कोई भी कीजिए, इसको एक ही प्रोसेस है। राइट, जो सर ने बताया कि ये कोई अलग अलग नहीं है, जो मात्रा बोला गया है, जो सेगमेंट या सीरीज बोला गया है वो सारे खेती में सारे मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में आपको ऐसे ही इस्तेमाल करना है। जैसे हितेश जी ऑलरेडी पूछ लिए कि कपास की फसल में मैक्स कितना स्प्रे करना है। सो मैक्स जितना आपको स्प्रे करने के लिए बोला गया है वही करना है। आप देख लीजिए तो आपको वही करना है, चाहे वो धान हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो कपास हो, चाहे हो मतलब गन्ना हो, कुछ भी हो, तो आपको वैसे ही इस्तेमाल करना है राइट। जो मात्रा या जो सीरीज आपको बताया गया। सो एम कुमार जी का एक सवाल है कि फंजी और सर्वग्रीन दोनों एक साथ दे सकते हैं क्या धान में?
तो देखिए ये मतलब आपने सवाल किया है, जवाब आपके सवाल में ही है। पार्थो सर का थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। सो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो सर्व ग्रीन की बात आपने किया और फंजी का बात आपने किया, दोनों का जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग है। मतलब ये दोनों एक साथ तो आप दे ही सकते हैं, लेकिन ये दोनों सेम प्रोडक्ट नहीं है कि आपको ये कंफ्यूजन हो कि ये दो आप दे सकते हैं या नहीं। ये अलग अलग प्रोडक्ट है। फंजी का अलग फंक्शन है, सर्व ग्रीन का अलग फंक्शन है। सो आप दे ही सकते हैं, एम आई राइट पार्थो सर? यस यस, आप दे सकते हैं। और पहले से प्रोटेक्ट करना है तो आप इसको ग्रीन क्यू मैक्स के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन 7 रोज की जब आपका पेड़ हो जाएगा, उसका उम्र का 7 रोज हो जाती है, तब तब जाके इसको प्रोडक्शन करना जरूरी है। आप पहले से दीजिए 10 रोज बाद बाद किसी का दे सकते हैं मेरा कोई भी प्रोडक्ट के साथ, लेकिन इसको अलग से स्प्रे कीजिएगा। तो इसके लिए अच्छा है कि ये जो मकसद आपको प्रोडक्ट यूज करने का वो फुलफिल होगी। ऐसी बात नहीं है कि ग्रीन के साथ आप नहीं दे सकते, ऐसी बात नहीं कि आप मैक्स का साथ नहीं दे सकते। को दीजिए फॉर प्रोटेक्शन। थैंक यू, ओवर टू सुमति सर। राइट, सो जितने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें ये दे सकते हैं, इसमें ये दे सकते हैं, कितनी मात्रा में देना होगा, तो मात्रा सेम ही है। वो आप टमाटर कीजिए या फिर आप गेहूं कीजिए या आप कुछ भी कीजिए, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। आप सही मात्रा में मतलब ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं हर एक खेती के अंदर। राइट, सो अच्छा, सुब्रतो सर ने एक सवाल किया, ह्यूमस का डिस्कशन नहीं हुआ, क्या ये बंद हो गया? सर एक्चुअली हम लोगों का जो ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स हैं, इस ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स में हम लोग ह्यूमस जो प्रोडक्ट अलग से आता था, वो प्रोडक्ट को हम लोगों ने इसमें ह्यूमस को बहुत ज्यादा मात्रा में एड कर दिया गया। सो ह्यूमस तो अभी बंद नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के क्योंकि ह्यूमस मतलब ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स जो हैं और ह्यूमिक लिक्विड जो है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है सर्वश्री का, बिकॉज मामला है ह्यूमस का या ह्यूमिक एसिड का। सो ह्यूमिक एसिड आपको ब्लैक मैजिक में मिल रहा है, ह्यूमिक एसिड आपको ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स में मिल रहा है, ह्यूमिक एसिड आपको ह्यूमिक लिक्विड में मिल रहा है। सो सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट, सेम मैं बोल सकता हूँ के सेम एरिया का प्रोडक्ट, वो बहुत ज्यादा हो जाए तो कंफ्यूजन हम लोगों के अंदर भी हो रहा है। सो क्योंकि ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, ह्यूमिक सर्व आपका ह्यूमिक लिक्विड एंड ब्लैक मैजिक, ये तीनों बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, तो इनके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सो आप लोगों को भी ये सर्वश्री की तरफ से बोला जा रहा है, आप इनमें ज्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है मतलब रिगार्डिंग टू ह्यूमिक एसिड या ह्यूमस। राइट, सो थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करते रहे हैं, आप लोग इस वेबिनार को अटेंड किए। आप लोगों से दोस्तों मुलाकात होगा कल। कल फ्राइडे है और हम सभी जानते हैं कि फ्राइडे इज अ फैबुलस फ्राइडे। सो फैबुलस फ्राइडे में जो हम लोग करते हैं, आप सभी जानते हैं, हम लोग टेस्टिमनी के ऊपर बातचीत करते हैं, टेस्टिमनी ऑफ द वीक इसके ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे टेस्टिमनीज तैयार हो गए हैं और वो टेस्टिमनीज हम लोगों को चाहिए, जो टेस्टिमनी से हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रोडक्ट कितना असरदार है ये लोगों को जानने के लिए मिलेगा। सो जितने सारे लोग अभी सुन रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, सबके पास ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल जोड़िए और आप भी आइए। अगर आपके पास बहुत अच्छा अच्छा कुछ टेस्टिमनीज हैं तो उसके साथ प्रिपेयर्ड रहिए, वीडियो ऑन करते हुए और सारे डेकोरम का मेंटेन करते हुए आप कल प्रेजेंट रहिए इस वेबिनार में, और हम लोग आपके पास जाएंगे, आपको स्पॉटलाइट करेंगे और आपके पास से सुनेंगे कि आपका टेस्टिमनी का क्या है, और अगर आपका टेस्टिमनी बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही एक्साइटिंग रहा, बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ाने लायक रहा, सो आप अगर सारे पैरामीटर्स में खड़े उतरे, सो आप भी बन सकते हैं टेस्टिमनी ऑफ द वीक, जहां पे आपको मिलने वाला है ₹5,000 का प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट, एक सी बक्थ्रॉन विथ करक्यूमिन जूस और एक एस पल्स, ये दोनों प्रोडक्ट
मिला के 5,000 रुपए का सामान गिफ्ट मिलेगा आपको। ऑलरेडी इधर अजय जी कमेंट कर रहे हैं, इधर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वैशाली जी हैं, और बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं जो ऑलरेडी टेस्टिमनी ऑफ द वीक बन चुके हैं और जिनके पास प्रोडक्ट भी पहुंच चुका है, गिफ्ट उनको मिल चुका है। सो अगर आप भी बनना चाहते हैं इस हफ्ते का टेस्टिमनी ऑफ द वीक, और आप अगर जीतना चाहते हैं 5,000 रुपए का प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट, सो फैबुलस फ्राइडे को अटेंड कीजिए और अपना टेस्टिमनी शेयर कीजिए। सो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये मीटिंग खत्म करता हूं, अंत करता हूं। मुलाकात हो रहा है कल सुबह 8 बजे टेस्टिमनीज के साथ और आप सभी लोगों के साथ, क्योंकि फ्राइडे में कोई ये नहीं होता है, सेशन नहीं होता है प्रोडक्ट के ऊपर, सिर्फ हम लोग टेस्टिमनी के ऊपर बात करते हैं। अजय जी, आप दोबारा क्यों, आप दोबारा 3 बार 4 बार 100 बार भी टेस्टिमनी ऑफ द वीक बन सकते हैं अगर आपके पास सारे टेस्टिमनीज को मुकाबला करने लायक टेस्टिमनी अगर आपके पास है। सो इट्स नॉट एन इश्यू। सो इसी के साथ दोस्तों अंत कर रहे हैं, कल मुलाकात हो रहा है सुबह 8 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए और एक साथ कहते रहिए जय सर्वश्री। ये जय सर्वश्री का नारा लेके भारत के हर एक घर में, हर एक गांव में, हर एक कोने कोने में हम सर्वश्री के हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चरल केयर, होम केयर, एनिमल केयर प्रोडक्ट को साथ में लेके पहुंच जाएंगे और जय सर्वश्री का नारा लगाएंगे, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट और विश यू अ वेरी वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। सी यू टुमारो एट 8 PM ऑनवर्ड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।